Hi girls, कैसे हो आप सब? तो यार आज का मेकअप वीडियो बेसिकली बिगनर्स के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, या जिनको मेकअप के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आपके पास में मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है, आप उनको लेने का सोच रहे हो, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ में वो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, अगर मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करें ना, तो लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी होती है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स सजेस्ट करते हुए टीनेजर्स को, स्पेशली बिगनर्स को, कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और प्लस वो बहुत ही ज्यादा महंगे भी होते हैं। बट आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ 6 मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के डेज में। अगर और जो टीनेजर्स ही वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जो मेकअप प्रोडक्ट सजेस्ट करने वाली हूँ ना, वो एक्चुअली नेचुरल है, उनमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया गया। और टीनेज में आप जानते हो स्किन काफी ज्यादा डेलिकेट होती है, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हार्श वाला मेकअप प्रोडक्ट हमको स्किन पे यूज नहीं करना चाहिए, उससे स्किन खराब हो जाती है। बट मैं जो आपको बताऊंगी उनमें केमिकल नहीं होगा, तो बेझिझक आप उसको यूज कर सकते हो एवरीडे आपके स्किन पे। प्लस मैं आपको कुछ टिप्स एंड हैक्स भी बताऊंगी, क्योंकि टिप्स एंड हैक्स के बिना मेकअप थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो यस, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली आज के इस वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ और आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है वो सारी चीजें। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बेसिक बट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको हमेशा मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना है मेकअप स्टार्ट करने से पहले। मॉइस्चराइजर स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, आप जानते हो उससे आपकी स्किन हेल्दी लगेगी। एंड देन जब आप आपका मेकअप कंप्लीट करोगे तो वो आपके फेस पे ड्राई नहीं लगेगा, आपका जो फाइनल मेकअप होगा ना, फाइनल मेकअप लुक, वो अच्छा लगेगा मॉइस्चराइजर की वजह से। इस वजह से उसे स्किप नहीं करना है। तो आप डेली जो भी मॉइस्चराइजर आपके स्किन पे यूज करते हो ना, आप उसे ही यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर स्किन पे यूज किए जाते आपके पास में वही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने आज तक कभी ऐसा कोई मॉइस्चराइजर अपने लिए बाय नहीं किया है। मैं डेली जो मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ मैं उसे ही अप्लाई करती हूँ मेकअप से पहले। तो मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है, अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे मेकअप की तरफ। चलो फाउंडेशन की अगर बात करें तो आज के वीडियो में मैं जिस फाउंडेशन का यूज करने वाली हूँ वो है ये मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। और अगर इस फाउंडेशन की बात करें तो इसमें विटामिन सी है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर आप इन सारी चीजों को यूज करोगे ना, इस फाउंडेशन को स्पेशली यूज करोगे, तो ये कवरेज भी देगा आपके फेस के जो स्पॉट्स वगैरह है उसको भी हाइड कर देगा, साथ में धीरे धीरे स्किन ब्राइटनिंग में भी हेल्प करेगा। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लगी इनके प्रोडक्ट्स की और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो अगर फाउंडेशन की देखो बात करें, अगर आप बिगनर हो, आपने कभी बाय नहीं किया है, या फिर आप सोच रहे हो कि आपको कैसे क्या लेना है, तो मैं आपको एक हैक बताती हूँ। देखो, जब भी आप फाउंडेशन या फिर कंसीलर बाय करने जाते हो ना, आपको एक चीज का ध्यान देना है, कभी भी रिस्ट पे आपको फाउंडेशन के शेड को चेक नहीं करना है, क्योंकि रिस्ट का जो स्किन टोन होता है और जो फेस का होता है वो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। आपको हमेशा फाउंडेशन को आपके चीक बोन के पास में अप्लाई करना है और वहां पे आपको ब्लेंड करना है, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि आपका जो शेड है वो फाउंडेशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने 2 फाउंडेशन एक्चुअली चूज किया है अपने स्किन टोन के लिए, दोनों ही अलग है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि दोनों मेरे स्किन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे या फिर क्या सीन है। बट मैं अभी आपको सारी चीजें करके दिखा दूंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कैसे सारी चीजों को समझना होता है कि फाउंडेशन आपके स्किन टोन पे जा रहा है नहीं जा रहा है। तो पहला जो शेड मैंने चूज किया है वो है 01 और दूसरा जो है वो है 03। तो अभी मैं इसको फेस पे अप्लाई करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ कि कौन सा वाला सही रहेगा मेरे स्किन के लिए। तो ये 01 वाला आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा लाइट है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, और अगर 03 की बात करें तो ये कुछ इस तरह से मेरे फेस पे आ रहा है। अभी आपको इसे ब्लेंड करके देखना होगा। ये वाला तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई ये नहीं जाएगा मेरे स्किन टोन के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट हो जाएगा। और प्लीज गर्ल्स, एक गलती कभी मत करना कि गोरा दिखने के चक्कर में कभी भी लाइट फाउंडेशन का शेड यूज मत कर लेना, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कर देगा आपके फेस को और बहुत ही ज्यादा खराब कर देगा। आपको लगेगा ऐसा कि आपने आटा अप्लाई कर लिया, तो वो गलती मत करना। बिल्कुल जो नेचुरल लगे आपके फेस पे आपको वही फाउंडेशन यूज करना है। और अभी आप देख सकते हो कि ये फाउंडेशन का शेड भी एक्चुअली थोड़ा सा लाइट लग रहा है मेरे फेस के हिसाब से, क्योंकि अभी मेरे स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी है जब से मैं आगरा से लौट के हूँ। अभी मैं क्या बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ, बट ये कहीं ना कहीं मेरे फेस के साथ में फिर भी चल जाएगा। बट इससे ज़्यादा आपको लाइट यूज़ नहीं करना है आपके चेहरे पर। मेरे पास एक और शेड एक्चुअली है, बट वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसी वजह से मुझे ये वाला शेड एक्चुअली अपने स्किन पर यूज़ करना पड़ेगा। और आपने देखा कि मैंने कितनी ज़्यादा कम क्वान्टिटी ली थी, सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैंने फाउंडेशन को लिया था
और मैंने पूरे फेस पे इसको ब्लेंड कर लिया है, तो आप समझ सकते हो कि थोड़े से भी कितना ज़्यादा काम हमारा हो जाएगा और कवरेज भी अच्छी खासी मिल जाएगी। आप इस साइड को देख सकते हो और यहाँ देख सकते हो, अगर आप मैं इसको और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी तो बहुत ही अच्छी कवरेज ये दे देगा। तो मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, सो एक सेकेंड। और अगर फाउंडेशन को ब्लेंड करने की बात करें तो इनिशियल डेज में मेरे पास में भी स्पॉन्ज नहीं था, मेकअप ब्रशेस नहीं थी, तो मैं हमेशा अपने फिंगर से ही फाउंडेशन वगैरह को ब्लेंड किया करती थी। तो अगर आप नहीं खर्च करना चाह रहे हो पैसे, मुझे पता है बिगनर्स के पास में या फिर टीनेजर्स के पास में उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें यू नो अपने लिए बाय कर पाएँ, तो सिंपली आप अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई वो बात नहीं कि अरे मैं मेरे पास स्पॉन्ज नहीं है या फिर मेरे पास मेकअप ब्रश नहीं, मेरे पास खुद नहीं थी यार। और हाथों से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है, आपकी जो फिंगर्स है ना वो कमाल कर देंगे अगर आप उनको सही से अपने फेस पे यूज़ करोगे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। तो ये जो फाउंडेशन है ना, इसमें आपको 7 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, तो आप आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग उनको बाय कर सकते हो और ये 12 आवर्स तक स्टे करता है हमारे स्किन पे। एंड अभी आप देखो मैंने बस एक ही लेयर अप्लाई करी है फाउंडेशन की और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कवरेज ये फाउंडेशन देते हैं मेरे यहाँ फेस पे, चीक पे। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बड़ा पिंपल है, मतलब इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा पिंपल है और वो भी काफ़ी हद तक हाइड हो चुका है सिर्फ एक लेयर से ही। और साथ में एक चीज़ मुझे इस फाउंडेशन की ये अच्छी लगी कि इसको यूज़ करने के बाद ना फेस ड्राई नहीं लगता है, आई मीन फेस पे थोड़ा सा ग्लो आ जाता है। ऑफ कोर्स क्यों ना आए, क्योंकि इसका नाम ही ग्लो सीरम फाउंडेशन है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास में होना चाहिए इनिशियल डेज में वो होता है कॉम्पैक्ट। और अगर कॉम्पैक्ट की बात करें तो ये मामाअर्थ का ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट है और मेरी स्किन ऑयली है प्लस गर्मी भी है, तो ये ऑयल को काफी अच्छे से कंट्रोल करेगा बट ये फेस को ड्राई नहीं करेगा। और ये चीज आपको अभी समझ में आएगी जब इस कॉम्पैक्ट को मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। मैंने कॉम्पैक्ट को अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। एंड अगर इस कॉम्पैक्ट की बात करें तो इसमें आपको 4 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे एंड ये इंडिया का फर्स्ट टैल्कम फ्री कॉम्पैक्ट पाउडर है एंड इसमें भी विटामिन सी एंड टर्मरिक का यूज किया गया है। चलो आईब्रो पेंसिल की अगर बात करें तो मैं एक दूसरी आईब्रो पेंसिल यूज करने वाली हूँ और मैं इसका नाम आपको नहीं बता रही हूँ, आप एक्चुअली गेस करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन सी आईब्रो पेंसिल है। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो ना तो आपको पता होना चाहिए, देखते कौन कौन सही बताता है। तो बस अगर आईब्रो पेंसिल की बात करें तो 2 शेड इसमें आते ही आते हैं, मतलब ब्राउन आता है ब्लैक आता है, तो आपको आईब्रो के हिसाब से शेड को चूज करना है। कुछ लोगों की जो आईब्रोज होती है ना वो बिल्कुल ब्लैक होती है, तो आप ब्लैक वाला आईब्रो पेंसिल यूज कर सकते हो। अगर आपकी जो आईब्रो है वो बिल्कुल मेरे जैसी है कि पूरी तरह से ब्लैक नहीं है तो आप ब्राउन शेड यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप तब ब्लैक वाला शेड यूज करोगे ना तो उससे फेक आईब्रोज लगेंगी जो कि काफी ज्यादा बेकार लगेंगी। प्लस आप एक गलती कभी मत करना, आप बहुत ज्यादा आईब्रो पेंसिल का यूज मत कर लेना कि मतलब उनको एकदम सेट करने के चक्कर में बहुत ज्यादा अप्लाई कर ले रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। जितना आप नेचुरल दिखा सको ना आपके आईब्रोज को उतना ही आपका फेस का लुक अच्छा आता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान देना। मैंने अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज हम आंखों के बारे में बात करते हैं। तो इनिशियल डेज में स्टार्टिंग में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके पास में आई शेडो होने ही चाहिए, बहुत सारे आई शेडो पैलेट होने ही चाहिए। मेरे पास तो एक भी नहीं था, मैं एक हैक फॉलो करती थी और मैं उसी से अपना आई कलर बना लेती थी और वो हैक क्या है वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगी। बट उससे पहले अगर हम बात करें लिपस्टिक की, क्योंकि पहले मैं वही अभी अपने लिप्स पे अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि लिपस्टिक को सिर्फ मैं आज ऐसा लिपस्टिक ही यूज़ नहीं करूँगी, उसको मैं और भी 2-3 तरीकों से यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही अमेजिंग सा हैक है, आप उसको ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप इस हैक को ट्राई कर लेते हो तो आपको ब्लश आई शेडो पैलेट बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें भी आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। तो अगर लिपस्टिक की बात करें तो एक्चुअली मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं आज के वीडियो के लिए और मैंने मामाअर्थ की कई सारे लिपस्टिक एक्चुअली देखी हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के शेड्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिपस्टिक की अगर बात करें तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शेड चाहिए। किसी को लाइट शेड पसंद होता है, किसी को ब्राइट शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आपको जैसे भी शेड चाहिए या फिर जो आपके स्किन टोन पे जाए आपको वही बाय करना चाहिए। एक्चुअली जब चीज़ें कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना तब भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर क्या यूज़ करें, और अगर जब कुछ नहीं होता है तब बैठ के सोच रहे होते हैं यार कुछ तो है नहीं यूज़ क्या करें। ये सबके साथ में होता है, मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, मैंने फाइनली अपना शेड चूज़ कर लिया है लिपस्टिक के लिए। वैसे जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये मामाअर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। इसमें जो मेरा शेड है वो है 01 कार्नेशन न्यूड। इसमें एवोकाडो ऑयल का यूज़ किया गया है, साथ में इसमें विटामिन ई भी है। तो यू नो ये मैट लिपस्टिक तो है बट यू नो आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेगा, ये बेस्ट चीज़ है। आपके जो लिप्स हैं उन पर मॉइस्चर बरकरार रहेगा एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफी लंबे समय तक आपके लिप्स पे रहेगी। क्योंकि मैंने ये वाला शेड तो यूज कभी नहीं किया है बट इसी ब्रांड के लिपस्टिक का मैंने एक दूसरा शेड यूज किया हुआ है तो मुझे पता है हाँ ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो चलो अब इसको अप्लाई करते हैं अपने लिप्स पे।
मैं आपको बताती हूँ आपको हैक किस तरह से फॉलो करना है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। आपको क्या करना है, आपकी लिपस्टिक लेनी है जो लिप्स पे आपने अप्लाई करी है, अगर वही शेड आप आपके चीक पे और आईलिड पे अप्लाई करते हो ना, तो एक अलग ही ऑसम वाला लुक आएगा आपके चेहरे का। तो आपको क्या करना है, अपने चीक्स पे थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई करनी है। और लिपस्टिक भी देखो एक बात है, आपने कि कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर ले रहे हो, मुझे पता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, तो हम इसे अपने चीक्स पे यूज़ कर लेते हैं। अगर आप कोई ऐसी वैसी कोई भी लिपस्टिक आपके लिप्स पे अप्लाई करें और सोचो कि आप उसे अपने चीक्स पे अप्लाई कर लोगे, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब वो रिमूव होना स्टार्ट होगी ना, तो आपके पूरे चेहरे को बर्बाद करके रख देगी। तो जो लिपस्टिक स्मच प्रूफ हो वही आपको आपके चीक्स पे यूज़ करनी है एज अ ब्लश। एंड देन इसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे, और इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो है आईलाइनर एंड काजल। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आईलाइनर नहीं पसंद होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको काजल पसंद नहीं होता है, या दोनों ही चीज़ें पसंद हो सकती हैं। आप जो भी कैटेगरी के हो, मैं आपको दोनों ही चीज़ें बता देती हूँ कि आप कौन सा ट्राई कर सकते हो। अगर आईलाइनर की हम बात करें, तो मैंने ये नया आईलाइनर बाय किया है मामा अर्थ का, सूदिंग वाटर प्रूफ आईलाइनर। तो काजल जो है वो मैं यूज कर रही हूँ, ये मामा अर्थ का ही चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल। ये भी उसी तरह से बनाया गया है, मतलब डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, कम्प्लीटली सेफ है, और ये भी लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने इसको पहले भी यूज किया हुआ है, और मैंने कुछ टाइम पहले आपके कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था, आपसे पूछा था कि प्लीज कोई अच्छा सा काजल सजेस्ट करो, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ब्रांड्स के मेरे को काजल बताए हुए थे कि इसका ट्राई करो, इसका ट्राई करो। कुछ तो मैंने ऑलरेडी पहले से यूज हुए थे, बट कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि मामा अर्थ का काजल यूज करो, और उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि मामा अर्थ का काजल भी आता है क्या, तो मैंने उनसे पूछा, आने लगा क्या, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत टाइम पहले से आ रहा है, बट मैंने कभी यूज ही नहीं किया था। बट जब ही उन लोगों ने बताया, तो एक इंटरेस्ट आया मेरे मन में कि यार चलो अच्छा यूज करके देखते हैं। आप जैसे आईलाइनर लगाते हो ना, आप वैसे ही लगा सकते हो। फिलहाल मैं आपको लुक दिखा देती हूँ कि कैसा आता है और कैसा है लगाने के बाद में। एंड बस आईलाइनर अप्लाई करने के बाद में मैं क्या यूज़ करूँगी, काजल। तो मैं ये वाला काजल यूज़ करने जा रही हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट लुक हमको ट्राई करना चाहिए। ओके, इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, यस दैट्स इट। इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इतनी सारी जैसे बोल रही लग रहा बहुत कुछ बता दिया है। जो 6 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आप चाहो तो आप इसी ब्रांड का ट्राई करके देख सकते हो मामा अर्थ का, या फिर अगर आप चाहो तो आप किसी और ब्रांड में भी जा सकते हो। आप मुझे बताओ, एक्स्ट्रा आपको कुछ मेकअप लेने की जरूरत है क्या? हाइलाइटर भी होता है, कॉन्टोर भी होता है, ब्रॉन्जर भी होता है, मेकअप सेटिंग स्प्रे भी होता है, ठीक है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। पर तब जब हमको मेकअप अच्छे से करना आ जाता है, इनिशियल डेज में हमको नहीं पता होता है सारी चीज़ों को एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है, तो आपको उनको लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो और इसे ही अपने स्किन पे अप्लाई करो, और यही सफिशियंट है आपके लिए, और इतने में आपका काम काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। जो प्रोडक्ट्स मैंने आज के वीडियो में यूज़ किए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। आप हमेशा मुझसे बोलते हो कि हाँ चल तुम मेकअप प्रोडक्ट सजेस्ट कर देती हो, बट कभी भी लिंक नहीं देती हो। तो आज आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको ईजिली बाय कर सकोगे। और एक अमेजिंग सा ऑफर आपके लिए है कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को मामार्थ की वेबसाइट से या ऐप से बाय करते हो ना, और यूज़ करते हो कूपन कोड AS2022, तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट्स आपको और भी ज़्यादा सस्ते में पड़ जाएंगे। एंड मामार्थ की एक बात ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी है कि अगर आप इनके वेबसाइट से कुछ भी बाय करते हो, कोई भी प्रोडक्ट, तो या आपका ऑर्डर एक वेबसाइट पे ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, जिसे आप आपके ऑर्डर के साथ में ट्रैक भी कर सकते हो। और ये लोग एम कर रहे हैं 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लान करने का, जो कि यार आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। तो बस यही था मेरा सिंपल सा वीडियो, आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त है और इतना आप मेरे लिए कर सकते हो मुझे पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू गर्ल्स, बाय।